देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानी के परिजन, सम्मान के योग्य बुजुर्गों, माताओं, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण, पत्रकार, छायाकार बंधु, आजादी के पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। मैं देश की सीमा पर मुश्किल हालातों में भी मुस्तैदी से तैनात वीर जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज हर भारतवासी के लिए खुशी का दिन है। आज हर गली, हर मोहल्ले में तिरंगा है, हर वाहन, हर हाथ में तिरंगा है, पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है। इस दिन के लिए माँ भारती के नए नारे कितने ही सपूतों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। इसी दिन के लिए ऐसे संख्या देश भक्तों ने कष्ट झेले और यातनाएं सही। मैं इस पावन अवसर पर आजादी की बलि देवी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को भी नमन करता हूँ। मैं उन वीर सैनिकों को भी सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता की खातिर अपने प्राण न्योछावर कर दिए। हरियाणा तो वीर जवान की ऐसी धरती है जिसके रणबांकुरों ने आजादी की लड़ाई से लेकर 1962 के तीन 1965-1971 के पाक युद्ध तथा कारगिल में अपना पराक्रम दिखाया था और आठ माता की मस्जिद को ऊंचा कर दिया था। सबसे पहले मैं छोटे के लोगों को उन्होंने देश की रक्षा के लिए उनको देश की आजादी में बलिदान देने वाले रणबांकुरों की बदौलत ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आजाद हिंद फौज में तैनात नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय आदि ने देश की आजादी लड़ाने में अहम भूमिका निभाई है। आजादी के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं के योगदान को यहाँ पर भी भुला सकते। आज की युवा पीढ़ी को देशभक्ति व राष्ट्र सेवा के प्रति ऐसे नेताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। आजादी के आंदोलन की सबसे पहली किंगारी 1857 में हरियाणा के अंबाला से ही पड़ी हुई। उस किंगारी ने आगे चलकर ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया जिसके बलबूते हम सन 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को पार फेंकने में कामयाब रहे। इस आंदोलन के प्रति से हमारी युवा पीढ़ी प्रेरणा हासिल करे, इसके लिए अंबाला छावनी में शहीदी समारोह मना रहे हैं। सोनीपत की धरा वह धरा है जिसने अनेकों सबूत दिए हैं और औरंगजेब के सैनिकों ने जब सिख गुरु तेग बहादुर का सर कलम कर दिया था, सिख तेग बहादुर के सर को श्री हरमंदिर साहिब ले जा रहे थे, तब मुगल सिंह ने शीश वापस लेने के लिए सिखों का पीछा किया था, तब सोनीपत के ही लाल बट हर्षा गांव के सुशाल सिंह रैया जिनकी शिकल हो बहू ए बहादुर से मिलती थी ने अपना सर कलम कर डाला था। सुशांत सिंह रैया के बलिदान को भाजपा सरकार ने याद रखा और बट हर्षा के चौक पर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने सुशांत सिंह रैया की प्रतिमा का अनावरण किया ताकि युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेती रहे। भाइयों और बहनों, मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में
आज भारत विश्व गुरु के अपने गौरव को पुनः हासिल करने की ओर अग्रसर है। आज अमेरिका जैसे विकसित देश की प्रधानमंत्री के नेतृत्व का लोहा मान रहे हैं। आजादी के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी ज्ञान सिंह जैसे नेताओं के योगदान को यहाँ पर भी भुला सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी को देशभक्ति व राष्ट्र सेवा के प्रति ऐसे नेताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। आजादी के आंदोलन की सबसे पहली किंगारी 1857 में हरियाणा के अंबाला से ही पड़ी हुई। उस किंगारी ने आगे चलकर ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया जिसके बलबूते हम सन 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को काट फेंकने में कामयाब रहे। इस आंदोलन के प्रति से हमारी युवा पीढ़ी प्रेरणा हासिल करे, इसके लिए अंबाला छावनी में शहीदी समारोह मना रहे हैं। सोनीपत की धरा वह धरा है जिसने अनेकों सबूत दिए हैं और औरंगजेब के सैनिकों ने जब सिख गुरु तेग बहादुर का सर कलम कर दिया था, जिससे तेग बहादुर के सर को श्री हरमंदिर साहिब ले जा रहे थे, तब मुगल सिंह ने शीश वापस लेने के लिए सिखों का पीछा किया था। तब सोनीपत के ही लाल बट हर्षा गांव के सुशाल सिंह रैया, जिनकी शिकल हो बहू के बारू से मिलती थी, ने अपना सर कलम कर डाला था। मुसिन्हा सुशाल सिंह रैया के बलिदान को भाजपा सरकार ने याद रखा और बट हर्षा के चौक पर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने सुशाल सिंह रैया की प्रतिमा का अनावरण किया ताकि युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेती रहे। भाइयों और बहनों, मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज भारत विश्व गुरु के अपने गौरव को पुनः हासिल करने की ओर अग्रसर है। आज अमेरिका जैसे विकसित देश की प्रधानमंत्री के नेतृत्व का लोहा मान रहे हैं। सबसे ताजा उदाहरण ही आपके सामने है जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की और युद्ध पर विराम लगाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। स्वतंत्रता दिवस पर मैं सभी देशवासियों को बधाई देने का भी गर्व महसूस कर रहा हूँ, जिन्होंने लगातार तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी को देश के प्रधान सेवक के रूप में चुना है। आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और पूरा देश औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर है। सोनीपत तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह क्षेत्र शिक्षा व खेल के हब के रूप में पहले ही जाना जाता था। पैरा ओलंपिक में कई सुमित अंतिम पदक जीत चुके हैं। इसी तरह पहलवान रवि दहिया जी, योगेश्वर दत्त जी ने ओलंपिक में पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। महिला एथलीट बहन सीमा अंतिल व अन्य कई भी ओलंपिक में भागीदारी कर चुकी है। प्रदेश व केंद्र की जन हितैषी योजनाओं का हर तबके के लोगों को फायदा मिल रहा है। सरकार ने सरपंचों को विकास कार्य करवाने के लिए 21 लाख रुपए खर्च करने की सुविधा प्रदान की है। बीपीएल परिवारों को भी 500 रुपए में गैस सिलेंडर हरियाणा परिवहन की बसों में भर्ती योजना के तहत 1000 किलोमीटर की फ्री यात्रा करने की सुविधा भी हमारी हरियाणा सरकार ने प्रदान की है। मैं यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति को भी नमन करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने मातृशक्ति को सम्मान देते हुए दिन में आयोजित समारोह में हमारी 30,000 बहनों को सावन के माह में हरियाली तीज के अवसर पर, जो हमारी ग्रामीण प्रदेश में कोठी के रूप में जानी जाती है, कोठी भेंट की। इसी प्रकार से भाई बहन के पवित्र रिश्ते के रूप में मनाए जाने वाले रक्षाबंधन के अवसर पर भी
मुख्यमंत्री जी मेरी बहनों को एक और उदाहरण मिला रहे हैं। युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना व अर्धसैनिक बल के जवानों की अनुग्रह राशि भी हरियाणा सरकार ने बढ़ाकर 50,000 रुपये की गई है। आई गिरी ब्लास्ट के दौरान शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50,000 रुपये की गई है। अब तक शहीदों के 400 से ज्यादा आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान की गई है, जबकि कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल के दौरान केवल 6 शहीदों के आश्रितों को नौकरी दी गई थी। मेरी माटी मेरा है अभियान में ऐसे ही वीरों के नाम पूरे देश के गांव के गौरव पट्टों पर अंकित किए गए हैं। आज हर सरकारी योजना के पारदर्शी तरीके से लाभ किए जाए, घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का सुरून, बुजुर्ग विधवा दिव्यांगों की पेंशन, बीपीएल कार्ड है, चिरायु कार्ड है, हैप्पी योजना के तहत रोडवेज बसों में साल में 1,000 किलोमीटर की फ्री यात्रा है, 500 रुपये में बहनों के घरेलू गैस सिलेंडर के लिए हर घर रहने पोर्टल खोला गया है। सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हर क्षेत्र में भी अपने ई गवर्नेंस के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। जिस प्रकार परिवार पहचान पत्र के डेटा से विभिन्न योजनाओं का लाभ व्यक्ति को घर बैठे मिल रहा है, उसी प्रकार कृषि क्षेत्र में भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाकर किसान भाइयों को लाभ देने वाली अनेक योजनाओं में इसे जोड़ दिया गया है। चाहे फसल बिक्री राशि का खराब का वादा हो, कालांतर भरपाई की राशि, मेरी मेरा पानी मेरी विरासत, धान की सीधे ही बुराई की प्रोत्साहन राशि इस पोर्टल के माध्यम से सीधे ही किसान के खाते में जमा की जाती है। हमने उनके हित में अनेक ऐसे कदम उठाए हैं। उनके लिए चलाई जा रही ज्यादातर योजनाएं हमारी सरकार ने ऑनलाइन जारी की है। प्राकृतिक आपदा में व्यापारियों के जान व माल के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी स्पीड पोर्टल बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना की है। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों के लिए भी मासिक पेंशन सुनिश्चित की गई है। भाइयों बहनों, हमने युवाओं को योग्यता का सम्मान किया है। 1,44,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं और स्वास्थ्य सेवाओं में भी युवाओं को ठेकेदार के शोषण से बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार नियम बनाया गया है। आज खेल में हरियाणा का बड़ा नाम है, हमारे युवा बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने के साथ साथ सरकारी नौकरियां दी जा रही है। अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को मासिक मानदेय भी दिया जाता है। इस बार के पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, सरभ चौधरी और अमन सहराब ने पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। पेरिस ओलंपिक में भाग ने 6 पदक जीते हैं, जिनमें से 5 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के नाम रहे हैं। हरियाणा की बेटी मनु भाकर एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। वहीं नीरज देवी लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भाइयों बहनों, हमने गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन को महिलाओं को देने का प्रावधान किया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। स्वरोजगार के लिए महिलाओं के 56,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह का भी गठन किया गया है। बहन बेटियों को उत्तर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक महिला कॉलेज स्थापित किया है। शहरों की सब संपत्तियों की भी प्रॉपर्टी आईडी बनाकर
संपत्तियों की खरीद फरोख्त में जो धोखाधड़ी होती थी उसको भी हमारी सरकार ने समाप्त किया है। साथ ही संपत्ति के लिए जो रू सर्टिफिकेट होगी ऑनलाइन कर दिया गया है। हमने नव निर्वाचित प्रतिनिधियों सरकार और ग्राम निवासियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया है। इस पर ग्रामीण अपने नाम ग्राम पंचायत से संबंधित सुझाव और शिकायत दे सकते हैं। हमारी हरियाणा सरकार प्रदेश के शहरों और कस्बों में आधारभूत संरचना सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दे रही है। चाहे गुरुग्राम है, करनाल है, अहमदाबाद, पंचकूला, कोई समाज सिटी बनाया जा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला के विकास के लिए मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी गठन किया गया है। हमने पिछले 5-10 सालों में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर काम किया है। आइए स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हम अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए देश को, प्रदेश को स्वच्छ और कुशल बनाए